Welcome curious minds, myself Professor Kun Joshi and this is my channel Kun Joshi Biology. We are going forward with the chapter Human Health and Diseases. This is the part 7th of the same. For the earlier parts, check the link given below. Right now, let's go with the chapter. बात करने वाले हैं आज के टॉपिक के बारे में, दैट इज ड्रग एंड अल्कोहल अब्यूज। ये जो वर्ड है ना अब्यूज, अब्यूज का मतलब होता है कोई भी चीज को आप मिसयूज करते हो और वो आपके लिए हानिकारक होती है, आपके लिए वो हार्मफुल होती है, डेंजरस होती है, उसको हम बोलेंगे अब्यूज। रही बात ड्रग की, ड्रग जब भी मैं ड्रग बोलता हूं ना तो सबसे पहले आप सबके मन में एक पिक्चर आता होगा दैट विल बी यूजुअली ऑफ अ पर्सन इंटॉक्सिकेटेड विद ड्रग। ओके, मगर ये ड्रग्स का मतलब सिर्फ वही ड्रग नहीं होता, सिर्फ नशा करने वाला ड्रग्स का बात नहीं कर रहे हम। ड्रग को हम इन जनरल मेडिसिन के लिए भी यूज करते हैं, इसलिए आप मेडिकल शॉप पे बहुत बार देखते होंगे केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट। ड्रगिस्ट मतलब वो पर्सन जो मेडिसिन दे सकता है, एक पर्टिकुलर टाइप के मेडिसिन को हम ड्रग्स बोलते हैं। तो वही पर्टिकुलर टाइप के मेडिसिन से ही अगर आपने ओवर यूज किया, ओके, आपको हार्मफुल इफेक्ट्स होते हैं उसके, उसी को हम ड्रग अब्यूज बोलेंगे। अब ये ड्रग और अल्कोहल अब्यूज कॉमन होता है काफी यूथ में, ओके, इट इज वेरी कॉमन इन यूथ। सबसे पहले ना थोड़ा सा सिलेबस के थोड़ा सा बियॉन्ड सोचते हैं कि ये यूथ में क्यों ज्यादा होता है। ओके, अच्छा, इसमें बॉयज का पॉइंट ऑफ व्यू, गर्ल्स का पॉइंट ऑफ व्यू दोनों अलग अलग होगा। ओके, आई विल टेल यू कि यूजुअली ये काफी ड्रग एंड अल्कोहल अब्यूज काफी कॉमन होता है बॉयज में। ओके, आई नो ये अब्यूजेस जेंडर स्पेसिफिक नहीं होते हैं, बट मैं स्टैटिस्टिक्स का बात कर रहा हूं। यूजुअली ये ड्रग अब्यूज और अल्कोहल अब्यूज इनिशियली यूथ में बॉयज में ज्यादा होता है। उसके बहुत सारे साइकोलॉजिकल रीजन है। सबसे पहला रीजन ये है अनड्यू पीयर प्रेशर। ओके, जस्ट बिकॉज सभी लोग कर रहे हैं तो मुझे भी करना चाहिए, मैं नहीं करता हूं तो लोग मुझे गलत टर्म्स यूज करते हैं, अरे तू तो फट्टू है, अरे तू लड़की है क्या, ऐसे टर्म्स बोलते हैं जो डेरोगेटिव लगते हैं बट एक्चुअली डेरोगेटिव है नहीं। ओके, अगर कोई आपको लड़की बोलता है तो दैट शुड नॉट बी अ डेरोगेटरी स्टेटमेंट। ओके, बट हम उसको एज अ डेरोगेटरी स्टेटमेंट कंसिडर करते हैं। ओके, तो ऐसे बहुत सारे रीजंस होते हैं। एक जैसे मैंने बोला, एक अंडू पीयर प्रेशर हो गया, दूसरा हो गया लोनलीनेस। ठीक है, यू फील लोनलीनेस, आप लोनली फील करते हो, आप स्ट्रेस्ड आउट फील करते हो, आपके आसपास आप देखते हो कोई ना कोई चीज में लगा हुआ है, आपको शायद उतना सक्सेस नहीं मिल रहा है जितना बाकी लोगों को मिल रहा है, तो आप इसको एक एज एस्केपिज्म देखते हो कि चलो ठीक है मैं ड्रग्स ले लेता हूं या इफ आई टेक द शेल्टर ऑफ अल्कोहल तो मेरा ब्रेन ऑक्यूपाइड रहेगा, मुझे वो बारे में नहीं सोचना पड़ेगा। प्लस अगेन, जब भी आप ड्रग लेते हो तो एक यूफोरिया आता है। यूफोरिया क्या होता है, योर माइंड, योर ब्रेन बिकम्स हैप्पी। ओके, आपका ब्रेन जो बोलते हैं हम हाई हो गया है तू, ठीक है, या बहुत हाई मिलता है उससे, द वर्ड HIGH, ओके, हिंदी वाला हाई नहीं, दैट इज डिफरेंट, बहुत हाई होते हैं, दैट हाई का फीलिंग इज यूफोरिक फीलिंग। अगर मैं आपको यूफोरिया के बारे में समझाऊं तो द फीलिंग जब भी ऑर्गेजम आता है, ठीक है, या जब भी सेक्सुअल क्लाइमेक्स रीच होता है तभी का फीलिंग, या अगर उसको मैं और थोड़े सिंपलर टर्म्स में बोलूं तो इमेजिन करिए आप एक रोलर कोस्टर पे बैठे हैं, रोलर कोस्टर एकदम टॉप पे गया है, धीरे 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 ऊपर जा रहा है, आप एकदम टॉप मोस्ट हाइट पे हो और अभी रोलर कोस्टर नीचे आने ही वाला है, भले ही आपको डर लग रहा हो, भले ही आप खुश हो, भले ही आप एक्साइटेड हो, आपके स्टमक में वो बटरफ्लाई वाला फीलिंग आएगा, दैट बटरफ्लाई वाला फीलिंग इज नथिंग बट यूफोरिया। ओके, वो द अमाउंट ऑफ हैप्पीनेस, आप स्क्रीम करते हो, आप चिल्लाते हो और आप रुक नहीं पाते हो, दैट एंटायर फीलिंग, दैट फीलिंग इज कॉल्ड यूफोरिक फीलिंग, और वो यूफोरिक फीलिंग आता है व्हेन अ पर्सन इज इंटॉक्सिकेटेड विद ड्रग। ओके, तो ये ड्रग और अल्कोहल अब्यूज जो चीजें है ना, ये अगर कोई भी पर्सन ओवरड्यू करता है तो दैट बिकम्स एन अब्यूज, वो हो जाता है मिसयूज एंड देन वो उसको उसके नेगेटिव इफेक्ट्स होते हैं। काफी कॉमन होता है यूथ में, काफी कॉमन होता है। इसको टैकल करने के लिए हम एक है एजुकेशन, आप एजुकेट कर सकते हैं, हम बचपन से पढ़ रहे, एजुकेट करना इंपॉर्टेंट है। हमने पिछले लेक्चर्स में ये भी देखा कि HIV के लिए भी एजुकेशन, अवेयरनेस, गाइडेंस इंपॉर्टेंट है। रिप्रोडक्टिव हेल्थ में भी हमने सेम चीजें देखी थी। द पॉइंट यू हैव टू से इज एजुकेशन से
सच में हेल्प होता है, बिकॉज यू नो कि क्या चीजें हो सकती है. अभी अगर कोई पर्सन है जिसको पता नहीं कि उसके इल इफेक्ट्स क्या है, ओके, एंड ही हैज जस्ट स्टार्टेड गोइंग इनटू ड्रग्स. इनिशियली ऐसा नहीं है जो लोग ने ड्रग्स लिया उनको पता नहीं था कि क्या होने वाला है, बट इफ दे आर कंप्लीटली इन एंड आउट अवेयर कि क्या होगा, क्या प्रॉब्लम हो सकते हैं, द बॉडी बिकम्स डिपेंडेंट ऑन इट. इमेजिन कीजिए आपको जो यूफोरिक फीलिंग आती है वो ड्रग्स से ही आएगी, एंड देन योर ब्रेन बिकम्स हैबिचुएटेड टू दैट. मतलब आपका ब्रेन उसकी आदत लगा देता है कि आपका ब्रेन तभी ही खुश होगा जब भी वो पर्टिकुलर ड्रग या वो पर्टिकुलर केमिकल आप लोगे. उसके अलावा आपको हैप्पीनेस मिलेगा ही नहीं, उसके अलावा आपको यूफोरिया मिलेगा ही नहीं. ठीक है, तो आप हर चीज के लिए वो ढूंढते हो. तो इमेजिन कीजिए इफ अ पर्सन इज ड्रग अडिक्ट, ठीक है, उसको यूफोरिया मिलता है सिर्फ ड्रग से, तो उसके बाकी सारे लाइफ प्रोसेसेस काफी नल एंड वॉइड हो जाएंगे. वो कोई भी चीज करेगा उसे खुशी ही नहीं मिलेगी, ना ही रोलर कोस्टर में खुशी मिलेगी, ना ही सेक्सुअल क्लाइमेक्स में खुशी मिलेगी. ओके, द ओनली यूफोरिया दैट ब्रेन विल फीड ऑन दैट विल बी द ड्रग दैट पर्सन इज अडिक्टेड टू. ओके, इसलिए ये सारी चीजें ना बहुत अडिक्टिव होती है. ये सारे के बारे में हम लोग थोड़ा डिटेल में जाएंगे. ओके, ये पूरे वीडियो में आपको बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स लगेंगे जो शायद थोड़े से ऑफ टॉपिक जा रहे हैं, तो आप, मैं चाहता हूं कि आप इसको पूरी तरह से सुने, बिकॉज दिस इज द एज, यही वो टेंडर एज है जहां पर आपको सब कुछ फर्स्ट टाइम ट्राई करना होता है, एंड वो ट्राई में ही आपको पता नहीं चलता कि आप कितना आगे बढ़ चुके हो. ठीक है, आई हैव माई सेल्फ सीन केसेस जहां पर लोग इतने ड्रग में घुस चुके हैं, इट इज डिफिकल्ट फॉर देम टू कम आउट, एंड इट इज आफ्टर वेस्टिंग देयर हाफ अ डेकेड, 5-6 साल वेस्ट करने के बाद दे हैव कम बैक टू नॉर्मल, एंड देन दे हैव टू स्टार्ट देयर लाइफ अगेन फ्रॉम वेयर दे हैव इनिशिएटेड देयर ड्रग अब्यूज. तो बहुत डिफिकल्ट होता है, आपके फैमिली वालों के लिए भी डिफिकल्ट होता है, आपके फ्रेंड्स के लिए डिफिकल्ट होता है, आपके आसपास के लोगों के लिए डिफिकल्ट होता है. ठीक है, और आपको तो डिफिकल्ट होता ही है. ओके, एंड लाइफ काफी प्रेशियस है, इंस्टेड ऑफ गोइंग इनटू ड्रग्स आप उसको टैकल कीजिए. और ये सिर्फ एक स्पेसिफिक टाइम गैप है. ओके, स्पेशली मैं ड्रग्स का और स्मोकिंग का बात कर रहा हूं, वो एक स्पेसिफिक टाइम गैप है. अगर आपने ये एज में अपने आप को संभाल लिया या सो कॉल्ड ट्राई करने से बच गए, ठीक है, ये ऐसा कुछ नहीं हो रहा, कोई एक बार ट्राई करने में कुछ नहीं होता, ये नहीं. ड्रग्स स्पेसिफिकली, इफ यू ट्राई वंस, योर ब्रेन विल वॉन्ट मोर एंड मोर ऑफ दैट सब्सटेंस. तो ड्रग्स तो आपको ट्राई भी नहीं करना है. ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि आपको अल्कोहल या सिगरेट ट्राई करना है, बट ड्रग्स इज दैट वन थिंग दैट यू शुड से ऑलवेज नो टू. ठीक है, आपको बिल्कुल भी ट्राई नहीं करना है, बिकॉज अगर आपके ब्रेन ने एक बार इसको ले लिया देन योर ब्रेन विल डिमांड फॉर इट. ओके, एंड इनिशियली अगर आपने फर्स्ट टाइम ट्राई किया, विच मीन्स यू हैव नो सेल्फ कंट्रोल, ओके, एंड तो आप डेफिनेटली उसके अडिक्ट बन सकते हो. लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक, ये काफी कॉमन होता है यूथ में. एजुकेशन से, गाइडेंस से हम इसको टैकल कर सकते हैं. ओपियोइड्स, कैनबिनॉइड्स एंड कोका अल्कलॉइड्स. ओके, दिस इज कोका अल्कलॉइड्स, ओपियोइड्स, कैनबिनॉइड्स एंड कोका अल्कलॉइड्स. ऐसे तीन क्लासेस है ड्रग्स के जो हम लोग पढ़ने वाले हैं. सब में से थोड़े थोड़े एग्जाम्पल्स पढ़ेंगे, सबके बारे में थोड़ा सा डिटेल में जाएंगे. ओपियोइड्स क्या होता है? ओपियोइड्स जो होते हैं ना, ओपियोइड्स में पहले तो आता क्या क्या वो देख लेते हैं. हेरोइन आता है, हेरोइन को हम लोग स्मैक बोलते हैं, SMACK, स्मैक. ठीक है, इसके बहुत सारे पॉप सॉन्ग्स वगैरह भी बनाए गए हैं. अच्छा, ये सारे जो ड्रग्स है, ओपियोइड्स, कैनबिनॉइड्स, कोका अल्कलॉइड्स, ये आते हैं आइदर फ्लावरिंग प्लांट से, याद रखिए ये आएंगे फ्लावरिंग प्लांट से, या तो आएंगे ये किसी फंगस से, या तो ये आते हैं फंगस से. फंगस में भी मोस्टली मशरूम्स में से ड्रग्स मिलते हैं, जिनको हम श्रूम्स बोलते हैं, जिनको स्लैंग में श्रूम बोला जाता है. ठीक है, तो जो लोग ड्रग्स करते हैं उनको पूछते हैं, बिकॉज दे ट्राई न्यू एंड न्यू ड्रग्स, उनको पूछते हैं कि हैव यू ट्राइड श्रूम्स. ओके, ये जो ड्रग है तो उसको हम लोग साइकेडेलिक कैटेगरी में लाते हैं. वो सारी चीजें आपको नहीं है. ठीक है, एज एन वेन अगर कोई एग्जाम्पल आएगा तो हम उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में जाएंगे. तो फंगसेस और फ्लावरिंग प्लांट्स से हमको ओपियोइड्स, कैनबिनॉइड्स और कोका अल्कलॉइड्स मिलते हैं. ओपियोइड्स बाइंड होते हैं ओपियोइड रिसेप्टर्स में, जो होते हैं हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में. ब्रेन में ओपियोइड रिसेप्टर्स होते हैं जहां पर ये केमिकल सब्सटेंस बाइंड होता है. ठीक है, और न्यूरो ट्रांसमिटिंग को या न्यूरो सिग्नलिंग को चार्ज अप करता है, जिसके वजह से ऐसे सिग्नल जाते हैं जो नहीं मिल रहे हैं. ओके, तो तुम्हारा ब्रेन को, जो तुम्हारे ब्रेन में जो केमिकल्स है उसका लेवल ऊपर नीचे हो जाता है, जिसकी वजह से हैप्पी हार्मोन बढ़ जाता है, आपका डिप्रेसिव जो हार्मोन है या जो डिप्रेशन है वो कम हो जाता है. तो दैट हैप्पी हार्मोन इंक्रीज. आप सोचोगे ये तो अच्छी बात है ना, हम खुश हो रहे हैं, बट दैट विल बी अ लॉन्ग टर्म इफेक्ट.
ये अभी बढ़ रहा है, विच मीन्स ये हमेशा यही लेवल पे रहने का ट्राई करेगा। इट इज लाइक दैट जिद्दी बच्चा, अगर आपने वो बच्चे को हर जिद पूरी कर दी, ठीक है, आपने बच्चे को चॉकलेट पिला दी, वेफर पिला दी, केक पिला दी, हर एक चीज पूरी कर दी, तो कभी उसको वो चीज का वैल्यू नहीं पता चलेगा। और अगर तुम नेक्स्ट टाइम उसको कोई भी चीज नहीं दोगे तो वो हल्ला करेगा, ठीक है, और वो एक्सट्रीम जिद करेगा, जिसकी वजह से वो बच्चे को भी प्रॉब्लम होगा और उनके पेरेंट्स को भी प्रॉब्लम होगा। इसीलिए ये जो सो कॉल्ड हैप्पीनेस है जो ड्रग्स से मिलता है, माइंड यू ये हैप्पीनेस ड्रग्स से मिलता है, ये हमें रोकना है। अगर ये आर्टिफिशियल केमिकल से ट्रांसमिट हो गया, सिग्नल हो गया, तो ये लेवल्स बढ़ जाएंगे, ठीक है, जिसकी वजह से ब्रेन डिप्रेशन तो कोप अप कर लेगा, मगर फिर जैसे ही ड्रग्स का पावर खत्म हो जाएगा, द पर्सन विल गो अंडर मोर डिप्रेशन, बिकॉज अभी जो उसका लेवल है ऑफ हैप्पीनेस वो ज्यादा हाई है और उसको वही लेवल चाहिए टू मेंटेन दैट हैप्पीनेस। ओके, तो ये ओपियोइड रिसेप्टर्स सेंट्रल नर्वस सिस्टम में होते हैं और गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक में भी होते हैं, तो ये बेसिकली डाइजेशन पे भी अफेक्ट करता है। तो कुछ लोग बोलते हैं बहुत भूख लगता है, कुछ लोग बोलते हैं भूख नहीं लगता है, ऑल्दो तो वो थोड़ा वो ओपियोइड्स इतने जीआई ट्रैक पे इन्फेक्ट नहीं करते जितने कैनाबिनोइड्स करते हैं, उसके बारे में हम थोड़ा बाद में देखेंगे। ओपियोइड्स में आता है हेरोइन आता है, ठीक है, हेरोइन वो जो व्हाइट कलर का पाउडर आता है, क्रिस्टलाइन पाउडर, जो हेरोइन और कोकेन ये दो ऐसे ड्रग्स है जो मैक्सिमम स्मगल किए जाते हैं, ठीक है, इसको स्मैक की तरह भी यूज किया जाता है। स्मैक इज नथिंग बट डाईएसिटाइल मॉर्फिन। ओके, हेरोइन बेसिकली व्हाइट होता है, ओडरलेस होता है, और ये बिटर होता है, बिटर मतलब कड़वा होता है, एंड क्रिस्टलाइन, क्रिस्टलाइन मतलब जिस तरह से नमक का टेक्सचर होता है, नॉर्मल कॉमन सॉल्ट का टेक्सचर होता है, उस तरह से इसका टेक्सचर होता है हेरोइन का। ये जो हमने देखा हेरोइन है या जो स्मैक है, ठीक है, ये ऑप्टेन होता है बाय एसिटाइलेशन ऑफ मॉर्फिन। ये जो मॉर्फिन है ना, मॉर्फिन एक ड्रग है, ठीक है, मॉर्फिन एस पेन किलर्स और बहुत सारी चीजों में यूज किया जाता है, उसको एसिटाइलेशन से मिलता है। अगर उसको एसिटाइलेट करेंगे तो उसमें से हमको हेरोइन मिलेगा, या उसको ही उसका जो क्रूड फॉर्म है उसको हम स्मैक बोलेंगे, स्मैक को स्मोक किया जाता है, ठीक है। और ये मॉर्फिन है वो हमको मिलता है लेटेक्स ऑफ पॉपी प्लांट, ये जो पॉपी प्लांट है, ठीक है, उसके लेटेक्स में से मिलता है, या उसका जो पॉप्ड अप बर्ड है उसमें से मिलता है। बहुत सारे रीजन में इसको ग्रो किया जाता है, लीगली भी, और यूजुअली इसको इलीगली ग्रो किया जाता है, इसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है, डिफरेंट डिफरेंट टाइम पे डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स निकलते हैं, इसको स्टोर करते हैं, बाद में उसके अंदर कुछ प्रोसेसेस करते हैं, एंड देन दे फिल्टर आउट द स्मैक एंड और उसको और प्योरीफाई करके उसमें से हेरोइन बनाएंगे। वो जो पॉपी प्लांट है उसका नाम है पेपेवर सोमनीफेरम, याद रखिए पेपेवर सोमनीफेरम। ये जो सोमनीफेरम है उससे स्मैक बनता है, ऐसे याद रखिए, एस से स्मैक बनेगा, ठीक है, पेपेवर सोमनीफेरम से स्मैक बनेगा, यही हेरोइन है, यही मॉर्फिन है, ठीक है, हेरोइन बनेगा बाय एसिटाइलेशन ऑफ मॉर्फिन। इसको या तो स्नॉट किया जाता है, मतलब या तो स्निफ किया जाता है, जैसे आपने देखा होगा मूवीज वगैरह में उसको सूंघते हैं, ठीक है, स्नॉट किया जाता है, या तो उसको इंजेक्शन की तरह लिया जाता है, या तो उसको इंट्रावेनियसली इंजेक्ट किया जाता है। ये डिप्रेसेंट की तरह काम करता है, डिप्रेसेंट मतलब ये तुम्हारे बॉडी को स्लो कर देगा, ठीक है, सारे फंक्शन को स्टॉप सा कर देगा, एंड यू फील दैट सारी चीजें स्लो चल रही है। ओके, आपको आपके आसपास जो भी सारे प्रोसेस हो रहे हैं आपको वो स्लो मोशन में दिखेंगे, जबकि वो सेम पेस पे जा रहे हैं। तो ये बेसिकली आपकी बॉडी को स्लो डाउन कर देता है, इसका इफेक्ट काफी टाइम तक रहता है। अगर आप इसके स्ट्रक्चर पे ध्यान देंगे ना, तो इसका स्ट्रक्चर ना काफी आप बोल सकते हैं इररेगुलर सा है, बिकॉज इसमें ना चार रिंग है, ठीक है, चार पांच रिंग है एग्जैक्टली। देखा जाए तो दो प्रॉपर अपर साइड और लोअर साइड पे एक एक पूरा पूरा रिंग है जहां पर ओएच ओएच ग्रुप है, ठीक है, देन एक बीच में फाइव बॉन्ड्स वाला रिंग है और वापस एक सिक्स बॉन्ड वाला रिंग है। सिक्स बॉन्ड वाले रिंग में डबल बॉन्ड नहीं है, ऊपर और नीचे में डबल बॉन्ड है। स्ट्रक्चर कैसे याद रखेंगे पहचानने के लिए, ऊपर एक रिंग नीचे एक रिंग, दोनों साइड ओएच, जो पांच बॉन्ड वाला रिंग है वहां पर ओ आएगा, ठीक है, और एक जो सेमी रिंग है या जो आधा सा रिंग है जो फोर्थ रिंग से जुड़ा हुआ है, ठीक है, उसमें एन सी एच आएगा, उसमें एन सी एच थ्री आएगा। ओके, ये एक्सट्रैक्ट होता है पेपेवर सोमनीफेरम से, इट इज अ डिप्रेसेंट, इट स्लोज डाउन योर बॉडी प्रोसेसेस। नेक्स्ट ग्रुप ऑफ ड्रग इज कैनाबिनॉइड्स। ओके, कैनाबिनॉइड्स हमारा नेक्स्ट ग्रुप ऑफ ड्रग्स है। जिस तरह से ओपियोड बाइंड होता था ओपियोड रिसेप्टर्स को,
उस तरह से कैनाबिनॉइड बाइंड होता है कैनाबिनॉइड रिसेप्टर्स को, ये भी प्रेजेंट होते हैं हमारे ब्रेन में, ओके स्पेशली ब्रेन में, जैसे ओपियोइड रिसेप्टर्स गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक में भी प्रेजेंट थे, ये वाले जो रिसेप्टर्स है ये पूरी तरह से ब्रेन में ही प्रेजेंट होंगे, ओके इसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है फ्रॉम द इनफ्लोरेसेंस। इनफ्लोरेसेंस क्या होता है? इनफ्लोरेसेंस इज बेसिकली द एंटायर बंच ऑफ फ्लावर्स, जिस तरह से पूरा का पूरा फ्लावर जहां पर ग्रो होता है, या जो फ्लावरिंग पार्ट है पूरा का पूरा प्लांट का, उसमें से ये निकलता है, ठीक है। एक प्लांट है कैनबिस सटिवा, इसके बहुत सारे सब स्पीशीज है, ठीक है, बहुत सारी जगहों पर ग्रो होता है ये। इनफैक्ट वन ऑफ द ओल्डेस्ट ड्रग्स है, इट इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट ड्रग्स नोन टू मैनकाइंड, ओके सबसे पुराने ड्रग्स में से। इसमें इसके फ्लावर टॉक्स भी यूज किए जाते हैं, ठीक है, इसका लीव भी यूज किया जाता है और इसके रेजिन भी यूज किए जाते हैं, ठीक है, मतलब इसके इस जिस तरह से उसमें लेटेक्स निकलता था फ्लावर में से, इसमें भी जो निकलता है फ्लावर में से या स्टेम में से वो भी यूज किया जाएगा, फ्लावर को भी यूज किया जाएगा, लीव को भी यूज किया जाएगा, डिपेंडिंग अपॉन आप कौन सा ड्रग बना रहे हो, किस तरह से प्रिपेयर कर रहे हो, आप अलग अलग चीजें यूज करोगे। जैसे मैरिजुआना के लिए आपको लीव चाहिए, ठीक है, और आप चीजें बना रहे हैं जैसे हशीश, जिसको हैश भी बोलते हैं, चरस, गांजा, ये सारी की सारी चीजें कैनबिस सटिवा से मिलती है। बेसिकली ये एक प्लांट है जिसमें से बहुत सारे डेरिवेटिव मिलते हैं हमको ड्रग्स के, जो हम कॉमनली कॉल करते हैं, जिसको भांग, दिस भांग इज ऑल्सो नथिंग बट द पार्ट और द मिक्सचर ऑफ सीड्स, लीव्स एंड रेजिन ऑफ कैनबिस सटिवा, उसको क्रश किया जाता है एंड देन इट इज टेकन ओरली, ओके। इसका असर सेंट्रल नर्वस सिस्टम के साथ साथ इसका असर होता है हमारे इनहेलेशन पर, ओके, रेस्पिरेटरी सिस्टम पर, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पर, उसके अलावा दिस ऑल्सो अफेक्ट्स द जीआई ट्रैक, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक पर भी असर होता है इसका। इसका एक मेजर रीजन है कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पे अफेक्ट होता है, बिकॉज ये ना बहुत सारे हॉर्मोन रिलीज करता है, जिसके वजह से हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम या तो बढ़ जाता है या तो घट जाता है। डाइजेशन में आपने सुना होगा स्टोरीज, अरे इसने भांग खाया तो पर्टिकुलर पर्सन खा रहा था तो वो खाते ही गया, हंस रहा था तो वो हंसते ही गया, वो रेपिटेटिव सिग्नल आते रहते हैं ब्रेन को, जिसके वजह से हमारा बॉडी जो स्टेट में है वही स्टेट में कंटिन्यू करता है, ओके। इसको लिया जाता है आइदर बाय इनहेलेशन और बाय ओरल इंजेक्शन, एंड इवन दिस इज क्वाइट डेंजरस, इट ऑल्सो हैज सम बेनिफिट्स ऑफ इट, अगर आप उसको कुछ पर्टिकुलर अमाउंट पे लोगे, अगर मेडिकली लोगे, ठीक है। बहुत सारे ऐसे डिजीज होती है जिसमें ये दिया जाता है, जब एक्सट्रीम एंग्जाइटी या एक्सट्रीम डिप्रेशन होता है तब इसको क्लिनिकली दिया जाता है। बहुत सारी जगहों पर कैनबिस लीगल भी है, बिकॉज इसके गुड इफेक्ट्स डिस्कवर हुए हैं, बट वी कैन नॉट टेल एग्जैक्टली कि ये अच्छा है या बुरा है, ओके इवन ये अच्छा है ये भी पता है कि एडिक्टिव है, बट इसको एक पर्टिकुलर लिमिट में लेना चाहिए। एंड एज वी ऑलरेडी नो कि ड्रग बहुत ही एडिक्टिव होते, तो देर आर चांसेस कि अगर इसको लीगलाइज करें तो वो बहुत ज्यादा अब्यूसिव हो जाएगा, ओके इसलिए इसके जो चीजें, इसके जो प्रोडक्ट्स है उसको भी हमें ध्यान से यूज करना चाहिए, विदाउट नोइंग एनीथिंग, जस्ट बिकॉज एवरीबडी इज सेइंग एवरीबडी इज गोइंग मैड ओवर यू, आपको नहीं यूज करना चाहिए। इससे बहुत सारी चीजें भी बनाई जाती है, जैसे हेम्प आपने सुना होगा, हेम्प इसकी चीजें भी बनती है, इसके स्वीट्स बनते हैं, इसके चॉकलेट्स बनते हैं, अलग अलग जगह पर यूज होते हैं, कुछ जगह पर लीगल है कुछ जगह पर लीगल नहीं है। इंडिया का ही बात कर रहा हूँ, बहुत सारे स्टेट्स में भांग लीगल है बट वो ग्रे लाइन है, ओके इट डिपेंड्स अपॉन द यूजर वो किस तरह से उसको यूज करता है। मोस्टली जितने भी इसके इफेक्ट्स है वो सारे इल इफेक्ट्स है, तो आपको इन चीजों से दूर रहना चाहिए। रही बात इसके स्ट्रक्चर की, ठीक है, इसका स्ट्रक्चर पहले वाले ओपियोइड स्ट्रक्चर से काफी डिफरेंट है, ओके इसके लीफ का हमको डायग्राम दिया है प्लस इसके स्ट्रक्चर दिया है। इसके स्ट्रक्चर में एक ही कंप्लीट रिंग है जहां पर दोनों तरफ OH है, ओके और एक लॉन्ग चेन है, लॉन्ग साइड से है, तो ये आपको याद रखना है कैनाबिनॉइड्स के लिए। हमारा नेक्स्ट ग्रुप ऑफ ड्रग है कोका अल्कलॉइड्स, ओके तीन ग्रुप ऑफ ड्रग्स हमने पढ़े, पहला हमने पढ़ा अल्केलॉइड्स, फिर हमने पढ़ा ओपियोइड्स, ओके अभी हम पढ़ रहे हैं कोका अल्कलॉइड्स। कोका अल्कलॉइड्स में आता है द मोस्ट फेमस और सबसे ज्यादा यूज किए जाने वाला ड्रग, दैट इज कोकेन, ओके ये भी आता है एक प्लांट से। ये प्लांट ग्रो होता है नेटिवली साउथ अमेरिका में, ठीक है,
ब्राजील, अर्जेंटीना, यहाँ पर बहुत सारे ऐसे कंट्रीज में इसका ऑफिशियल प्लांटेशन होता है या लीगलाइज प्लांटेशन होता है। वो प्लांट का नाम है एरेथ्रोजाइलम कोका। ओके, ये क्या करता है, ये हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में बहुत सारे न्यूरो ट्रांसमीटर है, उसमें से एक न्यूरो ट्रांसमीटर है डोपामिन। ये डोपामिन के साथ इंटरफियर करता है। डोपामिन जो है वो भी एक टाइप का हैप्पी हार्मोन है, आप बोल सकते हो, वो उसके साथ इंटरफियर करता है। ओके, और ये यूफोरिया देता है। ठीक है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे इसका जो भी इफेक्ट है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे ही होगा। इससे एनर्जी बढ़ जाता है। द पर्सन हु हैज टेकन दैट ड्रग ही विल शो हाई एनर्जी। ओके, अगर ओवरडोज ले लिया तो हेलुसिनोजेनिक भी हो सकता है, हेलुसिनेशंस दे सकता है। इसके जो कॉमन फॉर्म्स है उसको हम लोग कोक या क्रैक बोलते हैं। ठीक है, थीके? इसको भी स्नॉट किया जाता है। तो जो आप मूवीज वगैरह में देखते हो वो व्हाइट पाउडर, ठीक है, जिसको टेबल पर रखते हैं इस तरह से लाइन के फॉर्म में रखते हैं कार्ड से, और देन दे स्नॉट इट, वो पूरा का पूरा कोक है या कोकेन है। ओके, स्नॉट किया जाता है, फिर उसको गर्म करके भी इसके वेपर्स वगैरह लिए जाते हैं। बहुत सारे अलग अलग तरीके हैं इसको इसके इंजेक्शन के। हेलुसिनोजेनिक, हेलुसिनोजेनिक मतलब इससे आपको चीजें इमेजिन होती है, बहुत सारे मूवीज में आपने देखा होगा। आपने संजू मूवी अगर देखी है तो आपको पता होगा। ठीक है, द मेन कैरेक्टर संजू, संजय दत्त, जो रणबीर कपूर प्ले करते हैं, उनको पता नहीं होता है कि उन्होंने लास्ट अपने मॉम से बात किया था वो सच था या वो हेलुसिनेशन था, बिकॉज ही वॉज अंडर ड्रग। ओके, तो ऐसे बहुत सारे हेलुसिनेशन हो सकते हैं। आप जो चीजें आपके ब्रेन में छुपी हुई है, छुपे हुए कॉर्नर्स में है, वो बाहर आ सकती है। जो चीजें एक्चुअली नहीं है वो आपको दिखाई देने लगेगी। आप एक दूसरे सो कॉल्ड ट्रांस स्टेट में हो चले जाएंगे। बहुत सारे अलग अलग प्लांट्स है जो वेल नोन हेलुसिनोजेनिक है। एट्रोपा, बेलेडोना और दतुरा, ये वेल नोन हेलुसिनोजेनिक एजेंट्स हैं। ठीक है, इनसे भी हेलुसिनेशंस होते हैं। दतुरा इंडियन वैरायटी है। ठीक है, ये सोलानिसी फैमिली का है, जहां पर हमारा पटेटो और ब्रिंजल आता है, वही फैमिली का है दतुरा भी। इसके फ्लावर में, इसके फ्रूट में बहुत सो कॉल्ड नशा होता है, बिकॉज इट इज अ वेल नोन हेलुसिनोजेनिक एजेंट। उसके पास भी सेम कोकेन या अल्केलॉइड्स, कोका अल्केलॉइड्स होता है, वो ब्रेन पे अफेक्ट करेगा और हेलुसिनेशन क्रिएट करेगा। ये बहुत सारे टेम्पल्स वगैरह के बाहर आपको मिल जाएगा। इसका कांटे जैसा फ्रूट होता है, इसको चढ़ाया जाता है, ठीक है, शिव जी के ऊपर। तो ये वेल नोन ड्रग्स है जो हमारे सिलेबस में है। जो हमने तीन मेजर क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग्स पढ़े, उसके अलावा बहुत सारे ऐसे ड्रग्स हैं जैसे बारबेक्यूरेट्स, एम्फेटामाइन्स, बेंजोडायाजेपिन्स, ये सारे ड्रग्स भी यूज किए जाते हैं। ठीक है, बहुत सारे ड्रग्स बाय स्पोर्ट्स पर्सन यूज किए जाते हैं, बहुत सारे ड्रग्स हेलुसिनेशन के लिए यूज किए जाते हैं, बहुत सारे ड्रग्स मेंटल इलनेस क्योर करने के लिए, डिप्रेशन क्योर करने के लिए। इनसोमिया, इनसोमिया मतलब नींद ना आना। ठीक है, इनसोमिया का मतलब होता है नींद ना आना। ठीक है, बहुत सारे लोग बोलेंगे, बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि हाँ हमें भी नींद नहीं आती, हम भी रात भर जागते रहते हैं, ठीक है, फोन में खेलते रहते हैं। दैट इज नॉट नींद नहीं आना। इनसोमनिया मतलब जेन्युइनली नींद नहीं आना, जब आप ट्राई कर रहे हो सारे डिवाइसेस बंद करके, ठीक है, आपकी आंखों के सामने स्क्रीन नहीं है फिर भी आपको नींद नहीं आ रही है, एंड उसके विड्रॉल सिम्टम्स होते हैं, फिर आपको दिन भर ड्राउजीनेस फील होता है बट यू कांट स्लीप, यू आर अनेबल टू स्लीप, दैट इज इनसोमनिया। इनसोमनिया या मेंटल इलनेस इन जनरल, मेंटल इलनेस, डिप्रेशन, इनसोमनिया, ये चीज ऐसी है जिसको ग्लोरीफाई नहीं करना है। ठीक है, आजकल के जो यूथ है वो उसको ग्लोरीफाई करते हैं, हाँ वैसे भी मुझे तो एंग्जाइटी है या वैसे भी मुझे तो डिप्रेशन है, मैं तो इनसोम्नियाक हूं ही। ये चीजें ग्लोरीफाई करने वाली नहीं है, आपको ये सारी चीजें नहीं, आपको बस लगता है कि आपको वो सारी चीजें, आप यू हैव नॉट पीपल हु एक्चुअली हैव मेंटल इलनेस, डिप्रेशन या एंग्जाइटी। ओके, देर आर सर्टन कंडीशन जहां पर जेन्युइनली स्टूडेंट्स को ऐसी चीजें होती है जो आपके साथ नहीं हो रही, जस्ट बिकॉज आपको लगता है कि हाँ मैं भी रात को नहीं सो रहा हूं या सो रही, मुझे भी पता नहीं चल रहा कि मुझे क्या करना है, मुझे भी थोड़ा डिप्रेशन हो रहा है, मैं भी बहुत लोग से मिला नहीं हूं, मेरे भी इतने सो कॉल्ड फ्रेंड्स नहीं है, तो वो डिप्रेशन नहीं है। ठीक है, मेंटल इलनेस, डिप्रेशन, इंसोमनिया, इसके जो कंडीशन होते हैं वो काफी सीवियर होते हैं। ठीक है, इसके बारे में मेंटल हेल्थ के बारे में बात करना बहुत इंपॉर्टेंट है, बट वॉट इज द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज आपको इसको ग्लोरीफाई नहीं करना है। मैंने बहुत बार देखा है कि उन लोग काफी प्राउडली बोलते हैं कि हाँ मेरे पास तो ये चीजें हैं, मैं तो इनसोमनिया हूं। नहीं ब्रो, आपको इनसोमनिया नहीं है, आप बस रात भर पबजी खेलते हो, उसको नींद नहीं आना नहीं कहते।
ओके, तो मेंटल इलनेस, डिप्रेशन, इंसोमनिया में ये सारे ड्रग्स दिए जाते हैं। मॉर्फिन एक वेल नोन पेन किलर है, ये सेडेटिव, सेडेटिव मतलब बॉडी को शांत करता है, ठीक है, रिलैक्स करता है। यूजुअली आफ्टर सर्जरीज मॉर्फिन दिया जाता है, याद रखिए, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सर्जरी के बाद कौन सा ड्रग दिया जाता है, आपको याद रखना है, मॉर्फिन दिया जाता है, पेन किलर की तरह भी यूज होता है। बहुत सारे स्पोर्ट्स पर्सन भी यूज करते हैं, इसलिए डोपिंग टेस्ट किया, डोपिंग टेस्ट करता है। बेसिकली ये क्या करता है, ये ड्रग्स हमने देखा ये हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे काम करते हैं, ठीक है। कुछ कुछ ड्रग्स हमारी एनर्जी बढ़ाते हैं, तो वो दैट विल गिव अ पर्सन एक्स अनड्यू एडवांटेज ओवर अदर्स। सपोज मेरा ही एग्जाम्पल लीजिए, मैं एक मैराथन रनर हूं, सपोज मैं मैराथन रनर हूं और मैंने ड्रग ले लिया जिससे मेरा बॉडी का एक्टिविटी एनहांस हो गया और मैं फास्ट भाग रहा हूं, मुझे थकावट महसूस नहीं हो रही है और मैं जीत जाता हूं, ठीक है। ड्रग्स ने मेरे पैर को फास्ट नहीं किया, बट ड्रग्स की वजह से आई हैव दैट एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ आई हैव दैट एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ हॉर्मोन्स दैट कीप्स मी रनिंग, जो मुझे भागते रहने पर मजबूर करते हैं और मैं मुझे थकावट महसूस नहीं होती है। वो एक्स्ट्रा एड्रेनलिन पंप मिलता है जो बाकी लोगों को नहीं है, तो दैट गिव्स मी एन अनड्यू एडवांटेज। इसलिए डोप टेस्ट किया जाता है, या डोपिंग में हम पढ़ते हैं कि हाँ ये पर्सन डोपिंग में पकड़ा गया, ठीक है, बट वो ऑलरेडी मिस यूज तो हो चुका है, बिकॉज वो पर्सन तो जीत चुका है तो उसको मेडल वगैरह वापस देना पड़ता है। ऐसी बहुत सारी चीजें होती है, बट जो आपको पता होना चाहिए कि अभी डोपिंग टेस्ट पहले कर दिया जाता है, फिर आप वो पर्टिकुलर इवेंट में पार्ट ले सकते हैं। मॉर्फिन एक ऐसा है जो पेन किलर की तरह यूज किया जाता है। बहुत सारे हेलुसिनोजेनिक प्लांट है, जैसे हमने देखा धतूरा, ठीक है, इंडियन प्लांट। बहुत सारे फोक मेडिसिन, फोक मेडिसिन मतलब जो ट्राइबल मेडिसिन होते हैं वहां पर यूज किए जाते हैं, वहां पर सर्जरीज वगैरह का वगैरह नहीं, वहां पर सो कॉल्ड मॉडर्न मेडिसिन नहीं है, तो वहां पर फोक मेडिसिन काम करते हैं, वहां पर उन लोग जड़ी बूटियों से काम करते हैं, तो उनको पता होता है कि कौन से प्लांट्स खाने से बेहोश बेहोश जैसे हो सकते हैं आप, अनकॉन्शियस हो सकते हैं, या कौन से दवाई या कौन से प्लांट से आपको पेन फील नहीं होगा। तो यूजुअली वहां पर जब भी लेबर मतलब जब भी डिलीवरी होता है, तभी बहुत पेन को रिलीव करने के लिए तभी वो मदर को दिया जाता है। या सपोज वहां पर बिकॉज दे आर ट्राइबल पीपल, दे हंट फॉर द लिविंग, वो फॉरेस्ट में रहते हैं, तो वो अगर वो हंट कर रहे हैं, ठीक है, तो कभी उनको लग जाता है, तो कभी इन्फेक्शन ना फैले, तो या उनको सर्जरी करवाना पड़ेगा, तो ऑब्वियसली वो सर्जरी बाहर नहीं करेंगे, वो खुद से ही अपने आप को ठीक करते, खुद से ही वो पार्ट को कट कर देंगे, तो बहुत पेन होगा, तो उसके लिए उनको पता है कि कौन से मेडिसिन लेने या कौन सा एग्जैक्टली प्लांट का कौन सा पार्ट खाना है जिससे वो जो पेन है वो फील ना हो। तो ये सारी चीजें हैं, बहुत सारे रिचुअल्स ऐसे जहां पर कंपल्सरी आफ्टर सर्टन एज ड्रग्स लेने पड़ते हैं, और अगर आपने वो ड्रग्स के असर को झेल लिया तो आपको सो कॉल्ड यू आर रेडी फॉर हंटिंग, या आपको वो ट्राइब में ले लेते हैं। ऐसे अलग अलग रिचुअल्स हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड। ड्रग अब्यूज का जो डेफिनेशन आपके बुक में लिखा है कि कोई भी ड्रग्स जो दिए गए हैं, उसको मेडिसिनल पर्पस के अलावा कोई भी पर्पस से लिया जाता है, आइदर फॉर यूफोरिया, आइदर फॉर फीलिंग हैप्पी, और आइदर फॉर एनी अदर रीजन विच इज नॉट मेडिसिनल, तो उसे जो फिजिकल, फिजियोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल फंक्शन अफेक्ट होते हैं उसको हम बोलेंगे ड्रग अब्यूज। तो ये ड्रग से फिजिकल, फिजियोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल फंक्शन अफेक्ट होते हैं, इसी को हम बोलते हैं ड्रग अब्यूज। अब हम बात करते हैं स्मोकिंग की, ठीक है, स्मोकिंग या इन जनरल यूज ऑफ टोबैको की। कोई भी पर्सन जो ड्रग अडिक्ट है, या जो कोई भी पर्सन जो ड्रग्स कंज्यूम करता है, सबसे पहला अगर कोई भी पर्सन या कोई भी इंसान जिसने भी ड्रग या अल्कोहल अब्यूज स्टार्ट किया, दैट स्टार्ट फ्रॉम स्मोकिंग और टोबैको। स्मोकिंग या टोबैको से ही स्टार्ट होगा वो सबसे पहले, उसी सारा चीज स्टार्ट होगा स्मोकिंग से ही, टोबैको से ही स्टार्ट होगा। सबसे पहले आप सिगरेट से ही एक्वेंटेंसेस मिलेंगे आपको, ठीक है, पहले कोई भी स्मोकर होता है, फिर वो जाकर स्टोनर या फिर वो जाकर ड्रग्स लेगा। सिगरेट काफी इजीली अवेलेबल होता है, ठीक है। सो आपके बुक में एक स्टेटमेंट लिखा है कि स्मोकिंग पेव्स योर पाथ टू हार्ड ड्रग्स, तो स्मोकिंग से ही स्टार्ट होगी सारी चीजें, और फिर ही आप हार्ड ड्रग्स स्टार्ट करोगे डायरेक्टली, कोई भी जाके हेरोइन या कोकेन नहीं लेगा, स्टार्ट होगा सब कुछ स्मोकिंग से ही, ठीक है। और ह्यूमंस टोबैको कंज्यूम कर रहे हैं 400 से भी ज्यादा साल पहले से, हम टोबैको कंज्यूम कर रहे हैं। अलग अलग कंट्री से लोग इंडिया में आए थे, वो टोबैको लेकर आए थे, और वहां से हमने टोबैको खाना स्टार्ट किया, टोबैको कंज्यूम करना स्टार्ट किया। टोबैको इज आइदर स्मोक, इट इज आइदर च्यूड, और इट इज आइदर स्नफ्ड। इसके बहुत सारे रीजन है, ठीक
ठीक है, यूजुअली ऐसे बोला जाता है कि जो बीड़ी है या जो टोबैको च्यूइंग है या स्निफिंग ऑफ टोबैको है वो इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास लोगों में होता है. उसका वन ऑफ द मेजर रीजन ये भी है बिकॉज दे डोंट हैव इनफ वेल्थ. ओके, और इससे टोबैको से या इन जनरल निकोटिन कंजम्पशन से तुम्हारा जो द विलिंगनेस या ईगर टू ईट होता है या जो हंगर है वो हंगर किल हो जाता है. ठीक है, तो वॉट दे यूजली डू इज वेन दे डोंट हैव इनफ मनी दे वुड आइदर स्मोक और दे विल आइदर च्यू टोबैको. ठीक है, जिससे उनको भूख नहीं लगती एंड दे कैन सर्वाइव दैट वन डे. ओके, बट ये उनको भी नहीं पता है, बट दे जस्ट नो कि हाँ ये खाने से भूख नहीं लगती है, तो इट इज बेटर टू हैव टोबैको देन टू स्पेंड मनी और देन टू कुक फूड एंड देन टू हैव फूड. ओके, एंड दे आर टू मच डिपेंडेंट ऑन इट. टोबैको भी हाईली एडिक्टिव है. ओके, हम देखेंगे वो किस तरह से बॉडी पे एक्ट करता है. तो टोबैको को स्मोक किया जाता है, चू किया जाता है या स्नफ किया जाता है. टोबैको के अंदर बहुत सारे हार्मफुल चीजें होती है, उसमें से एक है निकोटीन. निकोटीन ऑल्सो इज अ पार्ट ऑफ अल्केलॉइड. अल्केलॉइड मतलब अगेन ये कोकेन वोकेन जो फैमिली के है वही फैमिली का है निकोटीन भी. निकोटीन क्या करता है, सिगरेट किस तरह से एक्ट करता है बताता हूं. जो लोग स्मोक करते हैं उनको पता होगा कि एग्जैक्टली क्या क्या होता है बॉडी में. ठीक है, जिन्होंने सो कॉल्ड ट्राई नहीं किया है आई वुड एडवाइस कि ट्राई कीजिए भी मत. ठीक है, क्योंकि बॉडी में क्या होता है एंड देन व्हाट एग्जैक्टली यू फील इफ यू हैव ट्राइड इट, और अगर किसी ने ट्राई नहीं भी किया है तो नहीं करना चाहिए. बट क्या होता है बॉडी में एग्जैक्टली और ये क्यों इतना अडिक्टिव है ये मैं आपको बताता हूं. निकोटीन जैसे ही वेन यू टेक अ पफ ऑफ योर सिगरेट, जब भी आप सिगरेट स्मोक करते हो, जब भी आप वो धुआं लेते हो अंदर, ठीक है, उसमें निकोटीन होता है. मैं सिर्फ निकोटीन का बात कर रहा हूं, ओके, बाकी सारे कार्सिनोजन का बात ही नहीं कर रहा हूं, बाकी सारे कैंसर कॉजिंग चीजों की बात ही नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ निकोटीन की बात कर रहा हूं. निकोटीन एक्ट करता है एड्रेनल ग्लैंड्स के ऊपर. एड्रेनल ग्लैंड्स क्या होते हैं, हमारे किडनी के ऊपर जो दो ट्रायंगुलर शेप ग्लैंड्स है, ठीक है, यहां पर जो होते हैं, ठीक है, ये दो एंजाइम्स या दो हार्मोन्स रिलीज करते हैं, नॉट एंजाइम, दो हार्मोन्स रिलीज करते हैं जिसको हम बोलते हैं एड्रेनालिन एंड नॉर एड्रेनालिन या एपिनेफ्रिन एंड नॉर एपिनेफ्रिन. ये एड्रेनालिन और नॉन एड्रेनालिन रिलीज करेगा. एड्रेनालिन और एड्रेनालिन क्या करते हैं, ये फ्लाइट फ्राइट और फाइट रिस्पॉन्स क्रिएट करते हैं. ये तभी रिलीज होते हैं जब या तो बॉडी फ्लाइट मोड में होता है, भागना है, डरा हुआ आता है फ्राइट रिस्पॉन्स, या लड़ना है फाइट रिस्पॉन्स. तो ये तीन एफ, फाइट फ्राइट और फ्लाइट, ये तीन रिस्पॉन्स पे एड्रेनालिन रिलीज होता है. ये क्या करता है, तुम्हारे बॉडी को पंपअप कर देता है, चार्ज अप कर देता है, एनर्जी से भर देता है. ठीक है, एग्रेशन से भर देता है, यू फील एनर्जेटिक, यू फील चार्ज. तो तुम्हारा बॉडी का ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, बॉडी का हार्ट रेट बढ़ जाता है, यू फील सम काइंड ऑफ एनर्जी इन योर बॉडी. जैसे इमेजिन करिए, ये तभी रिलीज होता है, सपोज आप कोई स्पोर्ट खेल रहे हो, नेचुरली एड्रेनालिन कब रिलीज होता है मैं आपको बताता हूं. आप कोई स्पोर्ट खेल रहे हो, ठीक है, आप सपोज क्रिकेट खेल रहे हो, आप एक बैट्समैन हो, लास्ट बॉल पे 6 रन चाहिए, ठीक है, और आप बैटिंग पे हो, आपने बैट घुमाया और 6 चले गई, तो जो फीलिंग आएगी कि आपने मैच जिताया, दैट विल बी कॉल्ड एज एड्रेनालिन रश. तो वो एड्रेनालिन रश क्रिएट होता है नेचुरली. और जब आप स्मोक करते हो तभी आपके बॉडी में वही फीलिंग होता है, वो आप ये स्मोक करने से बढ़ जाता है, हार्ट रेट बढ़ जाता है, यू फील मोर एनर्जेटिक. जैसे ही स्मोक खत्म होता है, एड्रेनालिन को रोकने के लिए आता है नॉर एड्रेनालिन. बॉडी हमेशा तो वो हाई एनर्जी स्टेट में नहीं रह सकता है, बॉडी को वापस काम डाउन करने के लिए काम करता है नॉर एड्रेनालिन या नॉर एपिनेफ्रिन. ओके, ये नॉर एड्रेनालिन क्या करेगा, बॉडी के सारे फंक्शंस को फिर से लोअर डाउन करेगा, फिर से बॉडी को शांत करेगा, नॉर्मल स्टेट में लाएगा. तभी आपको लगेगा कि थोड़ा अजीब सा लग रहा है, डिप्रेस सा लग रहा है, एनर्जी लेस लग रहा है, या अच्छा फील नहीं लग रहा है, कुछ अजीब सा लग रहा है. ठीक है, देन यू इमेजिन, हाँ अरे जब स्मोक किया था तभी तो अच्छा लग रहा था, तो चलो फिर से एक स्मोक करते हैं. देन यू स्मोक इट अगेन, आप फिर से एक और सिगरेट लेते हो, फिर से आप स्मोक करते हो, फिर से एड्रेनालिन बढ़ेगा, फिर से एनर्जी प्राप्त होगा. ठीक है, फिर से आप वो सो कॉल्ड हैप्पी एनर्जेटिक हो जाओगे, और जैसे ही सिगरेट का असर खत्म होगा फिर से नॉर एपिनेफ्रिन या नॉर एड्रेनालिन आके एड्रेनालिन रश को कम कर देगा, फिर से आप लो और डिप्रेस साउंड करोगे. तो इस तरह से आप सिगरेट से या निकोटीन से एडिक्टेड हो जाते हैं. ओके, स्मोकिंग से बहुत सारी चीजें होती है. ठीक है, आप सबको पता होगा स्मोकिंग से कैंसर ऑफ लंग होता है, माउथ का कैंसर होता है. ठीक है, ब्रोंकाइटिस, ब्रोंकाइटिस क्या होता है, ब्रोंकस, ब्रोंकस मतलब लंग्स के अंदर जो ब्रोंकियोल है, ब्रोंकस है, अल्वियोलाई है, वहां पर आइटिस, आइटिस मतलब इन्फ्लेमेशन होता है.
एम्फिसीमा, एम्फिसीमा मतलब कंटिन्यूस कॉफिंग, द पर्सन द पेशेंट जो है वो कंटिन्यूसली कॉफ करता रहता है, कोरोनरी हार्ट डिजीज, हार्ट डिजीज होती है, कैंसर ऑफ यूरिनरी ब्लैडर का भी कैंसर होता है, ऐसे भी केसेस मिले हैं जहां पर यूरिनरी ब्लैडर का कैंसर हुआ है, गैस्ट्रिक अल्सर्स होते हैं, थ्रोट में प्रॉब्लम होता है, ऐसे बहुत अलग अलग इल इफेक्ट्स है ऑफ टोबैको या अलग अलग इफेक्ट्स ऑफ निकोटीन। स्मोकिंग बहुत इंजरियस है हेल्थ के लिए, हम सबको पता है। स्मोकिंग से और क्या क्या चीजें होती है, स्मोकिंग से निकोटीन का हमने पढ़ लिया, उसके अलावा भी बहुत सारी चीजें होती है जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड बाइंड करता है हीमोग्लोबिन के साथ, ये जो हीमोग्लोबिन है ना, हीमोग्लोबिन ये कार्बन डाइऑक्साइड के साथ बाइंड करता है, ऑक्सीजन के साथ बाइंड करता है और कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ बाइंड करता है। ठीक है, हम ये वाला पार्ट जो है, ये बाइंडिंग ऑफ हीमोग्लोबिन है, ये हम पढ़ेंगे ब्रीदिंग वाले, ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। ऑक्सीजन के साथ बाइंड करता है, अच्छी बात है, वो उसी तरह से बॉडी में ट्रांसपोर्ट होता है ऑक्सीजन। कार्बन डाइऑक्साइड के साथ बाइंड करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को भी बॉडी से बाहर निकलना है, उसमें भी हीमोग्लोबिन हेल्प करता है। जैसे ही कार्बन मोनोऑक्साइड आता है ना, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को छोड़कर कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ चला जाता है। हीमोग्लोबिन जो है वो कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ 200 टाइम्स ज्यादा अफिनिटी से बाइंड करता है, तो वो पुराने सारे रिश्ते तोड़ देता है ऑक्सीजन के साथ, जिसके जैसे कार्बन और ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन का बॉन्ड जो है वो टूट जाता है। ठीक है, और बॉडी में ऑक्सीजन का कमी हो जाता है। कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग से बहुत सारे इल इफेक्ट्स होते हैं बॉडी पे। सबसे पहला इन इफेक्ट है लॉस ऑफ ऑक्सीजन या अनीमिया। उसके अलावा अगर आपने सिगरेट का पैकेट देखा होगा या कोई भी टोबैको प्रोडक्ट का पैकेट देखा होगा, उस पर लिखा होता है स्टैट्यूटरी वार्निंग, स्मोकिंग इज इंजरियस टू हेल्थ। बहुत सारे लेबल्स वगैरह दिए होते हैं, बट स्टिल इतना ही कॉमन है वो, यंग से लेकर ओल्ड में हर एज ग्रुप इज डिपेंडेंट ऑन स्मोकिंग या टोबैको। जो लोग एक्सेसिव अडिक्ट होते हैं उनको पूरा टाइम टेबल अपना अकॉर्डिंग टू स्मोकिंग या अकॉर्डिंग टू सिगरेट यूज करना पड़ता है। जैसे अगर वो सुबह स्मोक नहीं करते तो उनको प्रेशर नहीं आता है, ठीक है, या लंच के बाद एक सिगरेट चाहिए, डिनर के बाद एक सिगरेट चाहिए, ठीक है। कुछ चेन स्मोकर्स होते हैं, तो ऐसे बेसिकली देयर बॉडी का जो नॉर्मल बायोलॉजिकल प्रोसेस है या सो कॉल्ड फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है, वो भी उनके इनटेक ऑफ टोबैको या इनटेक ऑफ निकोटीन के ऊपर डिपेंड हो जाता है। इससे रिड होने के लिए बहुत सारी चीजें, अभी तो काफी कमर्शियली मार्केटेबल प्रोडक्ट्स है जैसे निकोटेक्स, ओके, जो आपको टैबलेट्स होती है जिसमें निकोटीन होता है, तो वो आपको किक मिलता है, बट आप उसको धीरे धीरे कम करके आप वो जो टोबैको का या निकोटीन का जो हैबिट है उससे आप दूर जा सकते हो। उसके अलावा काउंसिलिंग है, मेडिकल हेल्प है, जिससे आप इन आदतों से छूट सकते हो। अगेन, दिस एज इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इस एज में बच सके ये सारी बीमारियों से, या नॉट सो कॉल्ड बीमारियां, बीमारी इज अ रॉन्ग वर्ड, आई एम सो सॉरी, ये सारी चीजों से आप बच सके। बिकॉज अगर ये एज में आपने संभाल लिया तो व्हेन यू ग्रो अप यू हैव मोर कंट्रोल ओवर योर बॉडी, बट ये जो एज में जो सो कॉल्ड ट्राई करना होता है वो बहुत भारी पड़ जाता है। ठीक है, उसके बारे में हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे, दैट इज एडोलेसेंस एंड ड्रग एंड अल्कोहल अब्यूज। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। इस वीडियो के क्वेश्चन है आपके, पहला क्वेश्चन, विच ड्रग इज यूज आफ्टर सर्जरी, कौन सा ड्रग को यूज किया जाता है आफ्टर सर्जरी, विच इज ऑल्सो पेन किलर एंड सेडेटिव। क्वेश्चन नंबर टू, गांजा इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम, कौन से प्लांट से हम गांजा को एक्सट्रैक्ट करते हैं, एंड हेरोइन और स्मैक इज प्रोड्यूस बाई डैश, कौन से मेथड से हम हेरोइन या स्मैक प्रोड्यूस कर सकते हैं। ये तीनों क्वेश्चन के आंसर्स आपको ये वीडियो में मिल जाएंगे। ठीक है, आप वीडियो को ध्यान से सुनिए, ध्यान से समझिए, टेक्स्ट बुक में भी आपको इसके आंसर मिल जाएंगे। इनके क्वेश्चंस आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं और हम उसको वहीं पर डिस्कस करेंगे। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर योर टाइम।